नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, सुबह के 4 बजे है। आज दिवाली का पहला दिन है, रमा एकादशी का अवसर है और ये सोन पापड़ी कलर सा शर्ट पहन के मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। कारण आज अपन चल लो एक काकड़ आरतीला। तो काकड़ आरती क्या है वो आप उधर चल के ही देख लो। सो लेट्स गो। सकते हो काकड़ आरती चल रही है, थोड़ा मुझे लेट हो गया है बट देखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास में दिवाली आती है और कार्तिक मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। और कार्तिक मास में जो है वो स्नान को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसी के चलते सबसे पहले काकड़ आरती में भगवान को पूरी तरह पंचामृत से नहलाया जाता है। उसके बाद भगवान को अच्छे से साफ सुथरा करके उसे अच्छे कपड़े पहना के पूरे ऐसे सजा धजा के तैयार किया जाता है। और जब ये भगवान का पूरा स्नान का प्रोसेस चल रहा होता है तब भजन चालू होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। करीबन 12-13 साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, आई गेस आई वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, तब मेरे नाना जी के साथ मैं काकड़ आरती जाया करता था और वो काकड़ आरती में जो वो हारमोनियम है वो बजाया करते थे और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा शौक था भजन करने का। तो मैं उनके साथ हमेशा काकड़ आरती के लिए जाया करता था, क्योंकि जब आप स्कूल वगैरह में होते हो ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करती, मतलब एटलीस्ट मुझे तो करती थी, मुझे बहुत एक्साइटेड करती थी ये चीज़ें। और जैसे फिर मेरे सेमिस्टर के मतलब 1st 6 मंथ के एग्जाम्स ख़त्म हो जाते थे और दिवाली की छुट्टियाँ शुरू हो जाती थी, तब मैं मेरे नाना जी के साथ हमेशा काकड़ आरती जाया करता था और तब से मेरे लिए एक रिचुअल जैसा बन गया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आप एक बार भी वो अटेंड कर लो तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील करते हो और जैसे आपने देखा काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो सब होने के बाद जैसे ही दिन पूरा मतलब सूरज उग जाता है 7 बजे के दौरान, फिर भगवान की पूरी श्रद्धा भाव से आरती की जाती है और प्रसाद बढ़ता है, दैट्स इट। बट ये सुनने में मतलब सिंपल सा लग रहा होगा बट इसके पीछे बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजंस भी है, क्योंकि जो एनर्जीज होती है दिवाली के टाइम पे, ये फेस्टिवल सीजन के टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है। और उसी के चलते जब ये सब हम भजन वगैरह गाते हैं तो हम स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेक हो जाते हैं। तो अब तक हमने काफी ज्यादा देव धर्म की बातें कर ली है, लेकिन अब हम थोड़े मजे करने वाले हैं क्योंकि यार दिवाली है, दिवाली का फेस्टिवल है, हैप्पी दिवाली। तो ये एक मतलब आई डोंट नो आपके लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, लेकिन हमें हम इसको बोलते हैं टिकलिया, मतलब टिकली बोलते हैं हम इसको, फटाके की टिकली। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी खरीदी है मैंने, क्योंकि मैं दुकान वाले अंकल के पास गया था, उन्होंने बोला नहीं पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था और मतलब मेरा यूज़ भी नहीं होगा उतना, मुझे सिर्फ एक चाहिए था कंटेंट क्रिएशन के लिए। मैंने मेरे पड़ोस वाले छोटे बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा एक महंगी $1 बिलियन डील साइन करी, जिस डील के तहत मैंने उसको काफ़ी सारे ये अप्टी बॉम है, मतलब जो आप ऐसे फेंकोगे तो वो फूट जाते हैं, मतलब वापस से एक बार दिखा था तो उप्स देखा ऐसे फूट जाते हैं, तो ऐसा पूरा एक पैकेट मैंने उसको दे दिया और उसके बदले मैंने ये लिया है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ, सो लेट्स गो। तो यार मतलब आप ऐसे बंदूक में ये दबा के मतलब ऐसे दबा के बजा सकते हो, बट आधे से ज़्यादा टाइम वो बचता ही नहीं क्योंकि गन्स उतनी अच्छी नहीं होती है, कभी कभी ये उतने अच्छे नहीं होते, बट इस और मतलब वो उससे बजेगा भाई तो उतना आवाज़ नहीं आता है, तो आप लोगों को प्रॉपरली परेशान नहीं कर पाते उसके चलते, समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करता था बचपन में, ये ऐसे हमारे इसमें तो इसको पक्कड़ बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, आप जाके गूगल कर लो और फिर वो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं इसको ऐसे पक्कड़ में धरता था और ऐसे धरने के बाद जैसे आपको इसको अपटना है ऐसे मतलब
तो वो बहुत ज्यादा जोर से बजता है, और जब भी आप आपके घर के बाहर जो कॉरिडोर है उसमें बजाते हो तो वो फिर और ही ज्यादा आवाज आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे स्पेस खाली होता है। तो जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ऐसी शरारत किया करता था, और मैं मेरे पड़ोसियों को परेशान किया करता था, मतलब ऐसे धरता था और जोर से ठोए बजा देता था। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल। तो देखा आपने कितनी जोर से बज रहा है वो? नहीं देखा? सीरियसली? तो यार मतलब वापस एक बार कर लेंगे यार, आपके लिए नहीं करूंगा तो मैं किसके लिए करूंगा? मतलब आपकी वजह से तो चैनल चल रहा है, आप ही मेरी जनता जनार्दन हो, तो आपके लिए वापस एक बार। तो यार मैं बचपन में जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पापा ने मुझे ये ट्रिक सिखाई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे आई गेस मैंने वो पिस्तौल लाया नहीं था, और मैं घर में रो रहा था मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो पापा ने बोला कि यार पिस्तौल तो हम एक दिन बाद खरीदेंगे, तू फिलहाल इससे बजाया कर। तो मैं इससे बजाता था, और वो ये काफ़ी ज़्यादा फन था। मतलब जब हम इससे बजाते हैं तो इतना आवाज़ नहीं आता, लेकिन इससे आपने देखा कितना जोर से आवाज़ आता है। तो मैं मेरे पड़ोसियों को मतलब ऐसे छुपके से मैं ऐसे छुपके से दरवाजा खोल के बजा के वापस भाग के आ जाता था, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था उस टाइम पे, क्योंकि यार परेशान करने में किसको मज़ा नहीं आता जब आप छोटे बच्चे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, कि यार देखो मेरे जो पड़ोस वाले थे वो हमारे लिए सगों से भी ज़्यादा बेहतर थे, वो मतलब हमारा उनका फैमिली रिलेशन जैसे था। तो मतलब मेरी कितनी भी बचकानी हरकतें चल जाती थी, लेकिन अगर आप आपके अपार्टमेंट में कर रहे हो तो यार आपके पड़ोसी में भी उतने कॉरपोरेटिव नहीं रहेंगे, तो दिक्कत हो सकती है। और हमारे यहाँ पर जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ फ्लोर है, क्योंकि वो पत्थर का है। अगर आपके यहाँ पर मार्बल वगैरह का फ्लोर रहेगा और उस पर आप ये ऐसे ढक देते हो तो यार वो फूट जाएगा, आपको सोसाइटी वाले सोसाइटी से बाहर फेंक सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई एट योर ओन रिस्क। महत्वपूर्ण बात, दिवाली की आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। गुड बाय सेल गाइज, ये था दिवाली का पहला दिन, अभी तो दिवाली शुरू हो गई है, एंड आई होप मैं अच्छे ब्लॉग बना पाऊँ, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने काकड़ आरती इसके पहले कभी सुना भी नहीं था, या मतलब कभी आपने अटेंड नहीं की होगी, तो आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि काकड़ आरती क्या होता है, कैसे होता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ यूनिक पता चला है, तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपने भी आपके पड़ोसियों को परेशान किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू हैप्पी दिवाली।